आज की इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू जॉब वैकेंसी की अपडेट देने वाला हूं, जो कि आ रही है आपको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। ये जो वैकेंसी है आपको यहां पर देख सकते हैं, फुल्ली ऑन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। NABRD नवार्ड की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए आपको ये पोस्ट होने वाली है, जिसमें कि इंजीनियर्स वालों के लिए इसमें वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इसमें अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 2 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें कि इंडियन सिटीजन से ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, सभी कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो अगर आप लोग इसमें एलिजिबल होंगे तो ज़रूर से इसको अप्लाई कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कैसे इसको अप्लाई करना है, सभी कुछ मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल से बता रहा हूँ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिनसे कि आने वाली जो भी वैकेंसी आती रहेगी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताते रहूँगा। जो भी इंजीनियर्स के लिए डिप्लोमा, BTEC और ITI वालों के लिए होंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपका ब्रांच हो जरूर से बताइएगा, ताकि आने वाले जो वैकेंसीज होंगी आपसे रिलेवेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसकी जो डेट रहने वाली इंपोर्टेंट, 2 सितंबर से लेकर के यहाँ पर 23 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसकी जो फेज़ 1 की ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो 16 अक्टूबर को यहाँ पर टेंटेटिव यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद और जो बाद में इनकी चेंजेज होंगे, बाद में आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इन्फॉर्म कर दी जाएगी। यहाँ पर जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर का, यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें कि टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 150 पोस्ट पे वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, सभी पोस्ट मिला करके, जिसमें आपको यहाँ पर सिविल इंजीनियर का भी पोस्ट है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है अलग अलग पोस्ट में यहाँ पर अलग अलग दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे असिस्टेंट मैनेजर का जो ग्रेड 1 में पोस्ट है, इसके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर जनरल में दिया गया कि अगर आप लोग बैचलर डिग्री कर रखे हैं इन एनी स्ट्रीम, अगर आप लोग कर रखे हैं ग्रेजुएशन नॉन टेक्निकल फील्ड में तो भी अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप लोग किसी BBTEC कर रखे होंगे तो भी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो दूसरा क्वालिफिकेशन दूसरा दिया गया कि कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप लोग कर रखे होंगे BBTEC, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी जो एवब है किसी एक ब्रांच से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। वो जो है रिक्वायर्ड होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या जो AICTE से अप्रूव्ड हो। उसके बाद यहाँ पर और में करके दिया गया कि अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी है अगर आपके पास जो CSIT में, तो भी अप्लाई कर पाएंगे। फाइनेंस में भी है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, अगर आप लोग का जो बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे टेक्निकल बैकग्राउंड चाहे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में, अगर आप लोग बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में कर रखे होंगे तो भी अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अगर आप MEMTECH कर रखे हैं सिविल में, तो भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BBTECH कर रखें या MEMTECH कर रखें तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। BBTECH यहाँ पर जियो इन्फॉर्मेटिक्स यहाँ पर दिए गए, तो अगर आप लोग BBTECH कर रखें या BSc डिग्री जियो इन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आपका जो मिनिमम यहाँ पर क्वालिफाइंग परसेंटेज है ये दिया गया है, अगर आपका ये इससे ज़्यादा होगा तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, इससे कम होगा तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। अगर ग्रेड पॉइंट में होगा या CGPA में होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवीज़न और यहाँ पर परसेंटेज दिया गया। बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर जो एज लिमिट है 1/9/2023 के अनुसार से 21 से 30 के बीच में आपका एज होना चाहिए, और कट ऑफ डेट जो है यहाँ पर दिया गया, और आपका बोर्न बिटवीन यहाँ पर दिया गया 1993 से लेकर के 2002 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ लाइक करना चाहिए। इनकेस अगर आपका जो डेट है इस बीच में लाई नहीं कर रहा है, या अगर आपका एज ज़्यादा हो गया, ओवर एज हो गया, तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है। 3 ईयर के लिए आपको OBC की डिग्री के लिए और 5 ईयर का SC ST की डिग्री के लिए रिलैक्सेशन मिलता है, तो ये आपको दी जाएगी इसमें भी। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली है। यहाँ पर जो सिलेक्शन है 3 फेज में रहेगी, जिसमें कि यहाँ पर पहला फेज जो होगा ये आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि इस तरीके से यहाँ पर 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200 मार्क के लिए, और यहाँ पर बायलिंगुअल रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 120 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, जिसमें क्वेश्चंस जो आएंगे ये सभी से टॉपिक से क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, जिसमें कि टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों फेज में यहाँ पर आपकी होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपका मेंस एग्जाम्स भी होगा, जो कि आप इस तरीके से देख सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए गए आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश भी पूछे जाएंगे, और यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों यहाँ पर होने वाली है, और यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर दी गई है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से इसको देख लीजिएगा, और ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 50 मार्क का इंटरव्यू रखा गया, जो कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अटेंड कर सकते हैं।
इसके लिए क्या सिलेबस रहने वाली है तो वो भी इसी पीडीएफ में मेंशन है, तो ये टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा ये पीडीएफ, तो वहाँ से आप ज्वाइन होकर करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन होकर करिएगा। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अपडेट आते हैं, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो वहाँ से ज़रूर से ज्वाइन होकर के रहिएगा। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर लगभग लगभग सभी जो स्टेट हैं, यहाँ पर सभी के स्टेट में बहुत सारे सिटीज़ में यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि आप नियरेस्ट अपना जो भी हो यहाँ से चूज कर सकते हैं। कैसे इसको अप्लाई करना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए 650 रुपये, SC ST कैंडिडेट के लिए छोड़ करके यहाँ पर ST ST को 150 रुपीज़, और जो बच गए सभी कैंडिडेट को 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करने होंगे, और अगर कोई स्टाफ होंगे तो उनको यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है। इसके लिए जो पे स्केल है यहाँ पर 44,500 रुपये पर मंथ, ये पे ग्रेड है, और इसमें ग्रेड ए में अच्छी खासी यहाँ पर आपको लेवल 10 की सैलरी देखने के लिए मिल जाएगी, तो ज़रूर से आप इसमें ट्राई कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप इसको देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो ज़रूर से इसको अप्लाई कर लीजिएगा। तो आई होप आप इसको समझे होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना ब्रांच जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली जो वैकेंसीज होंगी आपसे रिलेवेंट आपको देखने के लिए मिलेगी।